हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में सिर्फ चार पॉइंट बताऊंगा। चारों पॉइंट को आप ध्यान से सुनेंगे तो आप बिना पढ़े एग्जाम में पास हो जाएंगे। अगर आपके पास एक दिन बचा या एक सप्ताह बचा या एक रात क्यों ना बची है, आपके पास टाइम कम है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अब क्या करें, इस वीडियो को देखिए, चार पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। आइए पॉइंट नंबर वन पे आते हैं। पॉइंट नंबर वन, आप लास्ट चार साल के क्वेश्चन पेपर जो आए हैं एग्जाम में, उन सबको रट लीजिए एज इट इज। एक एक क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। 70% चांसेस होते हैं कि उन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको पासिंग मार्क्स के लिए उन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, अच्छे से रट्टा मार लीजिए। पॉइंट नंबर टू, जो आपके टीचर ने, जो आपके फ्रेंड ने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जो ज्यादा नंबर के हो, उन सभी के टाइटल पढ़ लीजिए। मतलब मान लीजिए कोई SPO2 पे कोई टॉपिक आ गया आपका या सवाल आ गया कि नॉर्मल SPO2 95 से 100 तक होती है, अगर SPO2 कम हो जाए तो ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है, आपके कोई भी रिलेटेड टॉपिक हो, बस उसका आप टाइटल पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन पढ़ने का टाइम अब आपके पास नहीं है। अगर आप टाइटल पढ़ लेंगे तो उस रिलेटेड आप चीजें लिख पाएंगे एग्जाम में। जो एग्जामिनर होता है वो मेन टाइटल और आगे वाली चार लाइन चेक करता है। अब वो 10 लाइन ही क्यों चेक ना करे, आपने लिखा तो उसी के बारे में है ना। जैसे ही उस टाइटल के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप कुछ तो लिख पाओगे क्योंकि आपकी वो चीज समझी हुई। नंबर थ्री, कॉन्फिडेंस। आपने कुछ नहीं पढ़ा, इतना टाइम हो गया, एग्जाम एक महीने बाद, 15 दिन के बाद या एक दिन के बाद है, आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिला आपने तो हाथ ऊपर कर लिए, भाई साहब हमें तो कुछ नहीं आता, फेल है। नहीं, कॉन्फिडेंस रखिए, जो टाइटल है याद कीजिए। अपने क्लास में कहीं ना कहीं वो सुना होगा, या फिर कोचिंग क्लास में अपने फ्रेंड के मुंह से, या अपने लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं वो चीज सुनी होगी, उसी के बारे में लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए, आंसर शीट को पूरा ब्लैंक छोड़ने से अच्छा आप कुछ ना कुछ उसमें लिख के आए। अगर आप लिखेंगे तो 10 में से 10 नहीं, लेकिन 10 में से 3 नंबर 4 नंबर मिलने की तो संभावना है ना। और एक लास्ट चौथा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए, एक रात में पढ़ के कोई भी टॉप नहीं कर सकता ना एग्जाम पास कर सकता है। आप अगर ये सोच रहे हैं 8 बजे एग्जाम है, मैं 4 बजे सुबह उठ के एकदम पढ़ लूंगा, जो जो दिमाग में रहेंगे वो लिख दूंगा, नहीं, नींद प्रॉपर लीजिए, उससे आपका दिमाग अच्छा चलेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, आपको बस पास होना है, तो पूरे साल में कुछ ना कुछ चीजें तो दिमाग में रहेगी, तो दिमाग को चलने के लिए क्या चाहिए, उसको रेस्ट। तो नींद अच्छे से रात को पूरी करके फिर फ्रेश माइंड से एग्जाम देने जाइए। पॉइंट नंबर 3 जरूर याद रखिएगा, कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ जरूर लिखना है उसमें। अब एक लास्ट डिस्क्लेमर भी है, पॉइंट भी है, कि आप एग्जाम में चीट ना करें, चीटिंग ना ले जाएं। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उस हिसाब से आपके मार्किंग होंगे, अच्छे नंबर आएंगे। एक बार चलो मान लो किसी ने नहीं देखा, आप सक्सेस हो भी गए, कब तक होंगे आप, आगे आप नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं तो पकड़े ही जाएंगे। सो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, ऐसा कोई नहीं है जिसके एक बार पढ़ते ही वो दिमाग में चीज घुस जाती है, नहीं, वो लोग उनको समझते हैं कि ये टाइटल कहना क्या चाहता है, आखिर है किस बारे में टाइटल, वो चीज आप समझ लीजिए। अब आपको अगर ये प्रॉब्लम है कि आपकी याददाश्त कमजोर है, आप पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आपको चीजें याद नहीं रहती है, आप उन्हें जल्दी भूल जाते हैं, तो मैंने इस टॉपिक पे एक स्पेशल वीडियो बनाया जो आप इस टाइम पे तो मिस करना ही मत, बहुत शानदार वीडियो। उस वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, इस वीडियो पे क्लिक करते ही सीधे उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, बेल आइकन भी दबाना, प्लीज सब्सक्राइब, और वीडियो को जरूर देखना।